गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश वाई उसका पार्ट 2 सॉल्यूशन में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ओपन योर मैरीगोल्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड लेट अस स्टार्ट। सो बच्चों, पहले हम उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है कि नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर सिंक, कि ऐसी चार चीज़ों के नाम आप बोलो कि जो डूबती है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चीज़ है वो डूब जाती है। तो वो है लीड, मार्बल एंड स्टोन। लीड का मतलब होता है जो हम पेंसिल की हमारी जो जिससे वो हम लिखते हैं, जो पेंसिल की हमारी जो ऊपर की जो निप होती है वो लीड से बनी होती है, जिसको हम सीसू कहते हैं। लीज दिस क्वेश्चन दैट द लिटल बॉय आस्क, कि छोटा बच्चा कौन से इस क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वो ऐसा पूछ रहा था कि वाई डू लीड एंड मार्बल सिंक, वाई डज द सन शाइन एंड वाई डज विंड ब्लो। कि वो जो मार्बल का मतलब क्या होता है, कंचे, राइट? तो वो क्यों डूब जाते हैं, क्यों सन चमकता है, शाइन का मतलब है चमकना, और क्यों हवा चलती है। आगे देखते हैं कि व्हाट शॉट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन पोयम। तो बच्चों, ये पोयम में जो लड़का है वो कैसा दिख रहा है, तो बहुत ही वो क्यूरियस दिख रहा है। क्यूरियस मतलब क्या, कि जिसको बहुत कुछ जानने की अंदर से इच्छा हो, जो सब कुछ जानना चाहता हो, वो जानने के लिए एक्साइटेड हो कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। तो वो एकदम वो जानने के लिए एक्साइटेड हो, उसको बोलते हैं क्यूरियस। आगे देखते हैं कि राम इज़ अ, ये क्यूरियस लिटिल बॉय है। तो ये राम के बारे में है। तो वन डे ही केम होम एंड आस्क हिज ग्रैंडफादर्स क्वेश्चन लाइक, तो वो कौन सा क्वेश्चन पूछता है, आप देख सकते हो कि व्हाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, के वो सोलर क्यों वो ग्रहण ऐसा होता है। ये सब आपको बच्चों सिर्फ समझने के लिए, आपको लिखना नहीं है। तो उसकी दादी वो ऐसा कहती है कि वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स बिकॉज इट हाइड्स इट सेल्फ बिहाइंड द मून, क्योंकि हमें वो सूरज वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो मून के पीछे वो छिपा होता है। सेकेंड नंबर देखते हैं बच्चों कि वाई कांट वी टच द सन, हम सन को क्यों टच नहीं कर सकते, बिकॉज सन इज फार अवे फ्रॉम अस देयरफॉर वी कांट टच द सन, क्योंकि वो हमारे से बहुत ही दूर होता है, इसलिए हम उसको टच नहीं कर सकते। आगे देखते हैं व्हाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, हम अंधेरे में क्यों नहीं खेल सकते। तो आवर आइज कांट सी एनीथिंग इन द डार्क हैंड्स वी कांट प्ले इन द डार्क, कि हाँ रात के अंधेरे में हमारी आंखों के आगे कुछ नहीं दिखता है, राइट? आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें है कि व्हाई इज द स्काई सो हाई, डू यू नो द कलर ऑफ स्नो, हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड, पुट अप ग्लास इन सिंक वाटर आफ्टर योर फिनिश मिल्क। ये सब आपको समझने के लिए। अब यहाँ पे बच्चों ये जंबल वर्ड्स है, तो आपको उसके सेंटेंस बनाने के, तो पहला सेंटेंस कौन सा है, पहला जो वर्ड्स है वो नो है, तो नो के बारे में कौन सा सेंटेंस बनेगा, आई नो द वे टू माई हाउस, फिर ये स्विम, आई कैन स्विम, फिर ये लीड, तो लीड इज अ हैवी सब्सटेंस, फिर है ये मार्बल, मार्बल का क्या आएगा बच्चों कि आवर हाउस हैज मार्बल फ्लोरिंग, और यहाँ पे मार्बल का मतलब है कि हमारे जो घर के अंदर जो हमारा फ्लोरिंग होता है, फ्लोरिंग मतलब हमारी जो ज़मीन होती है वो किससे बनी होती है, मार्बल से। फिर ये हिल्स है, हिल्स का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों कि सनसेट्स बिहाइंड द हिल्स, मतलब जो पहाड़ी के पीछे जो हिल्स होती है, छोटी छोटी ऐसे पर्वत जैसी हिल्स, मतलब वो पहाड़ी, राइट? तो पहाड़ी के पीछे सन सेट हो जाता है, मतलब अंदर वो सन डूबता है। आगे देखते हैं कि ये आपका ये टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी आपको लिखनी है बच्चों। आगे देखते हैं व्हाई डू कैट्स एंड डॉग फाइट, तो बोथ कैट्स एंड डॉग लव मिल्क, दे यूजुअली फाइट ओवर मिल्क, सो ऑल्सो दे आर ब्यूटिफुल और ईच अदर हैंड्स फाइट, के दोनों को मिल्क बहुत पसंद है इसलिए वो फाइट करते हैं, राइट? आगे देखते हैं कि उसमें है व्हाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन, हमें रोड में
क्यों भागना नहीं चाहिए कि क्योंकि हम रोड को जब क्रॉस करते हैं तब हमारा एक्सीडेंट होने का डर हमें रहता है, फिर हम व्हीकल्स देख नहीं सकते हैं, राइट। इसलिए हमें रोड पे भागना नहीं चाहिए। लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद है, क्योंकि आइसक्रीम वो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए। ओके, राइट डाउन एटलीस्ट क्वेश्चन यूजिंग वाई। तो ऐसे दो क्वेश्चन के, वाई स्काई ब्लू एंड दूसरा है वाई डू फ्लावर्स हैव फ्रेगरेंस, के फ्लावर्स में से क्यों फ्रेगरेंस मतलब क्यों स्मेल अच्छी सी आती है। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया ये पूरा सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, आप वो उसमें से देखिए। ये टेक्स्ट बुक में ही सिर्फ आपको ये लिखना है, यही लिखना है आपको, ये सब टेक्स्ट बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ओके, ये डॉग वाला, ये राम वाला भी लिखने की जरूरत, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही इसमें से देख के लिखना है। ओके बच्चों, तो आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।